टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रही है, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा चोट की वजह से शामिल नहीं हो पाए, जबकि चहल और खलील अहमद को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली। हालांकि इंडिया में ये तीनों खिलाड़ी साथ मिलकर मस्ती करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। रोहित, चहल और खलील का एक टिकटॉक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसमें रोहित शर्मा और खलील अहमद चहल की जमकर पिचाई कर रहे हैं। जी हाँ, टिकटॉक वीडियो में चहल फर्श पर लेटे हुए हैं, तभी खलील अहमद रोहित से कहते हैं कि चहल की गर्दन उल्टी हो गई है। चहल की गर्दन सीधी करने के चक्कर में ये दोनों स्टार खिलाड़ी उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि तभी चहल उठकर कहते हैं कि उनकी गर्दन उल्टी नहीं हुई है, उनकी जैकेट उल्टी हो गई है। चहल ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि हम वापस आ चुके हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चहल और रोहित शर्मा आपस में ऐसे मस्ती करते हुए नजर आए। अक्सर ये दोनों खिलाड़ी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ट्रोल करते ही रहते हैं। वहीं न्यूजीलैंड दौरे की बात करें तो टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 5-0 से रौंद चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज की हार का बदला भारत को वनडे में 3-0 से हरा कर लिया। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 1-0 से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड दौरे का आखिरी मुकाबला 29 फरवरी से शुरू होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम मैच में वापसी करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चहल और रोहित की ये जुगलबंदी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल ये खिलाड़ी आपस में इतनी मस्ती कर रहे हैं कि फैंस को भी इनकी मस्ती पसंद आ रही है। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।